दोस्तों ये बात है 1943 की, जहाँ पे एक तरफ भारत पे अंग्रेजों का राज हुआ करता था, वहीं पूरी दुनिया में कई सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। एंड इसी के बीच में एक नाम निकल के आता है विल्सन चर्चिल का, जो कि उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हालांकि ब्रिटेन में इनको एक हीरो की तरह देखा जाता है, इवन इनको ब्रिटेन में एक नोबेल प्राइज तक दिया गया हुआ है। वहीं उस टाइम पे भारत के बंगाल में विल्सन चर्चिल की वजह से 25-30 लाख लोग भूख प्यास से मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे ब्रिटेन के सैनिकों के लिए खाने की कमी ना हो जाए, इसलिए विल्सन चर्चिल ने बंगाल के लोगों का अनाज छीनकर अपने सैनिकों के लिए भिजवा दिया। बंगाल में हालत इतनी ज्यादा बुरे हो गए थे कि भूख प्यास से लोग मर रहे थे, लोगों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। दोस्तों आयरनी की बात यह है कि आज तक ब्रिटेन ने इस जेनोसाइड को लेकर भारत से कभी भी माफी नहीं मांगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।